हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जरा हट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी 2019। बसंत पंचमी के दिन कामदेव की पूजा माता सरस्वती के साथ क्यों की जाती है, आइए हम जानते हैं। इस दिन पति पत्नी भी इन बातों का विशेष ख्याल रखेंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बसंत पंचमी के दिन सिर्फ माँ सरस्वती ही नहीं बल्कि प्रेम के देवता कामदेव की भी पूजा की जाती है। आमतौर पर हिंदू धर्म में बसंत पंचमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन विभिन्न स्थानों पर विद्या की देवी वीणा वादिनी माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित की जाती है। विद्यार्थियों के साथ आम लोग भी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और विद्या बुद्धि और ज्ञान अर्जित करने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बसंत पंचमी के दिन सिर्फ माँ सरस्वती ही नहीं बल्कि प्रेम के देवता कामदेव की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही इसी दिन भगवान विष्णु की भी पूजा का बहुत महत्व होता है। वास्तव में वसंत ऋतु को कामदेव की ऋतु मानी जाती है। कहा जाता है कि इस मौसम में प्रत्येक मनुष्य के शरीर में विभिन्न तरह के बदलाव होते हैं, इसलिए बसंत ऋतु को खुशनुमा और प्यार का मौसम भी माना जाता है। इसी वजह से पूजे जाते हैं कामदेव। वास्तव में बसंत पंचमी बसंत ऋतु का आगमन होने के कारण मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बसंत और कामदेव काफी घनिष्ठ मित्र थे, जिसके कारण बसंत पंचमी पर कामदेव की पूजा की जाती है। हम आपको बता दें कि बसंत पंचमी को रति काम महोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन कामदेव के साथ उनकी पत्नी रति की पूजा भी की जाती है। बसंत पंचमी पर भगवान विष्णु की पूजा इस विशेष अवसर पर माँ सरस्वती और कामदेव के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी जरूर की जाती है। बसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह उठकर सर्वप्रथम पूरे शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद नहाना चाहिए। इसके बाद पीला वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर अच्छी तरह से श्रृंगार करना चाहिए और भगवान को भी पीले रंग का वस्त्र पहनाकर विभिन्न तरह के फलों का भोग लगाना चाहिए और विधि विधान से पंडित के बताए के अनुसार ही आप पूजा करें। यदि आपको पंडित से पूजा नहीं कराना चाहते तो आप खुद भी घर में सरस्वती वंदना करें, उसके बाद विष्णु जी की कथा पढ़ें। दोस्तों, माँ सरस्वती की पूजा करने से पहले भगवान गणेश, सूर्य के देवता विष्णु और शिव सहित अन्य देवी देवताओं की पूजा इस दिन जरूर करें और इस दिन माँ सरस्वती की वंदना और उनकी कथा जरूर करें, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती की विशेषकर पूजा की जाती है। सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। धन्यवाद।